चलिए इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई लगा दिया तो इंडिकेटर जल रही है। इंडिकेटर जलने के बाद जो है कोई भी बटन पुश कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रही है। जहाँ पे टच किया है जो पैनल का दो पॉइंट जाता है तो उससे जो है हमारा टीवी ऑन हो गया। टीवी का कुछ टाइमिंग होता है, जैसे 5 मिनट हो या 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, ये अपने आप जो है स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। अगर आपने टीवी को स्विच से नहीं बंद किया या मेन बोर्ड से आपने बंद नहीं किया तो इस सिचुएशन में जो है ये अपने आप जो है ये टीवी बंद हो जाएगा। जब इसको इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगा, टीवी ए बी कॉर्ड से 2RC 3RC कॉर्ड से आपको इसको इनपुट सप्लाई नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये कई टीवी में ऐसा होता है, कंपनी के भी टीवी में ये हो सकता है और लोकल टीवी में भी हो सकता है। तो आपने देख लिया कि इसमें सप्लाई मैंने चेक किया है, सप्लाई मेरा ठीक था, मेमोरी पे हमारा सप्लाई ठीक था। फिर मैंने यहाँ से ऑन किया, यहाँ से जैसे ही ऑन किया और ये जो मैंने ऑन किया है ये कौन सा पॉइंट है मैं एक बार किट को पलटी करके क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जो हमारा ये सेंसर का हो गया और ये हमारा पैनल का हो गया, ये पैनल वाला दोनों पॉइंट को जब हमने क्लिक किया आपस में टच किया तो हमारा टीवी ऑन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं।